कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में भगदड़ मची हुई है। दुनिया के 163 देशों में इस जानलेवा वायरस से करीब 2.5 लाख से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11,020 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस का सेंटर चीन बना हुआ था, हालांकि अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है। इधर चीन के बाद इटली ऐसा देश है जहां कोरोना के कारण सबसे अधिक लोग मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में लगातार तीसरे दिन भी कोई मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है, हालांकि देश में 7 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई। चीन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,255 हो गई। इधर चीन के बाद इटली के हालात बिगड़ गए हैं, वहाँ रोज मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इटली में एक ही दिन में रिकॉर्ड 627 मौत इस महामारी के चलते दर्ज की गई। इसके चलते देश में कई नए तरह के प्रतिबंध घोषित कर दिए गए हैं। इटली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,032 हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 41,035 से बढ़कर 47,021 हो गई है। यदि भारत की बात करें तो कोरोना वायरस के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 310 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।